हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जो एक्सरसाइज आज आपको बताऊंगी, मैं वही सवेरे करती हूँ। आप भी अगर चाहें, अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं और टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, कोई भी किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो मैं एक्सरसाइज आज आपको बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करें। सबसे पहले एक चादर बिछा के उस पर आराम से बैठें, हाथों पर ऐसे करके, और 2 मिनट तक लंबी लंबी सांसें आप लीजिए। शांति से अपने मन को एकाग्र कीजिए, लंबी लंबी सांसें लें। ये प्रक्रिया लगभग 2 मिनट तक करें, शांत हो जाए। उसके बाद नंबर 2 एक्सरसाइज, कपालभाति। मैं मन ही मन में 50 टाइम्स गिनती गिनती हूँ और मैं ये कपालभाति करती हूँ। इस एक्सरसाइज को मैं 4 से 5 बार दोहराती हूँ, तो आप भी अगर शुरू में आपको परेशानी है तो 1 या 2 बार ही करें, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाएं। ऐसे फिर 50 बार करने के बाद आप थोड़ा 2 मिनट रुक जाए। बाई द वे, अगर आपको पीठ में या रीढ़ की हड्डी में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरीके से बैठने में, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद हाथ ऐसे रखें, दोनों पैरों को आगे करें और इस तरीके से ये रखें। ये एक्सरसाइज अगर आप अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 या 2 बार करें, फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं, फिर 5 बार, इस तरीके से धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं। नंबर 3 एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम। ये भी मैं मन ही मन में जब एक सांस लेती हूँ तो अंदर, जब सांस अंदर जाती है तो मैं 10 बार गिनती करती हूँ, फिर दूसरी नाक से उस सांस को छोड़ती हूँ। ऐसा मैं एक बार में 10 बार करती हूँ और ये टाइम जो है मैं फिर 3 या 4 बार फिर मैं इस एक्सरसाइज को करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से करती हूँ। पूरी सांस लें, अपने फेफड़ों को पूरा जितना हो सके उतना फुलाएं। ऐसा मैं एक बार में 10 बार करती हूँ और सिर्फ इसी प्रक्रिया को मैं 4 या 5 बार दोहराती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी लेके एक्सरसाइज ना करें, बहुत हल्के मन से, बहुत अच्छे मन से एक्सरसाइज करें। और अगर आपका मन चाहे तो एक आप कोई भी हल्का सा म्यूजिक अपने साथ लगा सकते हैं, आप एक्सरसाइज करें, कुछ हल्का सा, कुछ भी परफ्यूम या कोई अगरबत्ती कुछ भी हल्का सा चला लें जिससे कि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे। ऐसे ये इतना एक्सरसाइज करने के बाद मैं नंबर 4 एक्सरसाइज करती हूँ, सर्वाइकल ड्रा। मैं सबसे पहले गर्दन को 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स से करती हूँ, फिर 5 टाइम्स ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद मैं हाथों से इधर प्रेशर दीजिए और सर का प्रेशर इधर दीजिए और 10 बार अपने मन में गिनती गिनें, 1, 2, 3, 4,
पाँच छः सात आठ नौ दस। सेम ऐसे ही यहाँ इस साइड से हाथ से इधर प्रेशर करें, फेस का प्रेशर इधर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब अपने हाथों को इस तरीके से कीजिए, ऐसे बांध लीजिए, हाथों को पीछे कीजिए, हाथों का प्रेशर आगे और सर का प्रेशर पीछे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब यही हाथों को आगे या माथे पे लाएं, हाथों का प्रेशर पीछे, सर का प्रेशर आगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब अपने हाथों को ऐसे रखिए और हाथों का प्रेशर ऊपर और सर का प्रेशर नीचे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। इसके बाद एक दो पूरा हाथ घुमाना है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो आप 5 टाइम करें, एकदम प्रेशर ना दें। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। इसके बाद पैरों को ऐसे, और पैरों को आपको दिख रहे हैं पैर, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ जिससे कि आपको मेरे पैर नजर आए। अब पैरों को क्लॉकवाइज 10 टाइम्स घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2। अब पैरों को आगे पीछे करें, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार पैरों को ऐसे घुमाना है 10 टाइम और फिर एंटी क्लॉक 10 टाइम, उसके बाद 10 टाइम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ओके, इसके बाद आप पलथी मार के बैठ जाएं, हल्के हल्के धीरे धीरे सांस लें, हाथों को अपने दोनों को आगे करें, मुट्ठी बंद करें और हाथों को गोल इस तरीके से अपनी मुट्ठी को घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको बताऊंगी खड़े होकर किस तरीके से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वही तो मैं आपको बोन्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने बिना डॉक्टर की सलाह के आप एक्सरसाइज ना करें, या आपका भी ऑपरेशन हुआ है हाल फिलहाल में तो भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी काम ना करें। मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, मुझे 6 मंथ हो गए हैं, उसके बाद ही मैंने एक्सरसाइज शुरू की है और वो भी मैं हल्की फुल्की धीरे धीरे एक्सरसाइज करती हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक्सरसाइज मुझे हमें 10 टाइम करनी, धीरे धीरे पीछे घूमें फिर आगे फिर पीछे फिर आगे।
ये एक्सरसाइज हमें 10 बार करनी है। उसके बाद हाथों को ऐसे खोलिए, फिर वही 5 टाइम्स आगे पीछे पीछे आगे। ये एक्सरसाइज हमको 10 बार करनी है। इससे हमारी कमर में रिलीफ मिलेगा, जो भी आपको कमर की प्रॉब्लम है आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके बाद कमर पे हाथ रख के एक साइड झुकना है, एक दो, इसे भी हमने 10 बार करना है, 3। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना है, बहुत हल्के से ये एक्सरसाइज करनी है। ऐसा हमने 10 बार करना है। सेम ऐसे ही हाथ को ऊपर रखें, ये भी हमें 10 बार करना है, ये भी आपको 10 बार करना है। उसके बाद ये हाथ को पूरा क्लॉकवाइज घुमाना है 10 टाइम। शुरू में आप 5 टाइम कर सकते हैं और इसी को फिर एंटी क्लॉक करना है। आपको पूरा गोला बनाना है, पूरा गोला। सेम ऐसे ही इस हाथ से भी ऐसे ही करना है। फिर एंटी क्लॉक। ये मेरी आज की एक्सरसाइज थी। मैं डेली यही एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ये एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। बाय बाय।